हेलो एवरीवन, क्या आप सभी को भी हिस्ट्री पढ़ते टाइम बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन होता है कि अशोका पहले आया कि चंद्रगुप्ता पहले आया, बाबर पहले आया या अकबर पहले आया? तो चलिए आज हम पढ़ते हैं एंशंट इंडियन हिस्ट्री को इन वन गो विद द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। हाँ जी, तो इंडियन हिस्ट्री हैज़ बीन डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, एंशंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। भारतीय इतिहास को तीन भागों में जो है वो विभाजित किया गया है, एंशंट, मिडिवल एंड मॉडर्न। एंशंट स्टार्टिंग फ्रॉम 6000 BCE टू 650 CE, मिडिवल फ्रॉम 500 टू 1500 CE एंड मॉडर्न इंडिया फ्रॉम 15th सेंचुरी टिल इंडिपेंडेंस। तो एंशंट इंडियन हिस्ट्री को हम पढ़ेंगे, शुरुआत करेंगे प्री हिस्टोरिकल एरा से और एंड होता है ये गुप्ता तक। और हम इसको जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे क्योंकि हमें जो एक बार क्रोनोलॉजिकल आइडिया होना जो है ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए हम इसको जल्दी जल्दी जो है वो सारी कौन कौन सी डायनेसिटीज कब कब आई थी और कौन कौन से इंपॉर्टेंट रूलर्स है उसके अकॉर्डिंग पढ़ेंगे, ठीक है। एंशियंट इंडियन हिस्ट्री में प्री हिस्टोरिकल एरा वही पैलोलिथिक साइट्स, नियोलिथिक साइट्स, चैल्कोलिथिक साइट्स और शुरुआत सिविलाइजेशन की जो होती है वो होती है इंडस वैली सिविलाइजेशन। हाँ जी, इंडस वैली यानी कि ऐसे सिविलाइजेशन जो सिंधु नदी, इंडस नदी पे जो है वो सिचुएटेड थी और इसको जो है वो हरप्पन सिविलाइजेशन भी कहा जाता है बिकॉज हरप्पा वॉज द फर्स्ट सिटी विच वॉज डिस्कवर्ड। यहाँ आप मैप में देख सकते हो हरप्पा इज इट इज देयर। तो ये सिविलाइजेशन पूरी जो है नॉर्दर्न इंडियन सब कॉन्टिनेंट तक फैली हुई थी, प्रेजेंट डे इंडिया, पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। और इसको जो है ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है। वाई? बिकॉज ब्रॉन्ज का जो है काफी ज्यादा जो है वो यहाँ के लोग जो है वो यूज करते थे। एंड मेच्योर हरप्पन सिविलाइजेशन जो है उसका टाइम पीरियड है 2600 BCE टू 1900 BCE, ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन के बाद आता है हमारा वैदिक सिविलाइजेशन। वैदिक सिविलाइजेशन जैसे कि नाम में ही जो है वो वेदा है, द ओल्डेस्ट एंड द अर्लिएस्ट वेदा ऋग वेदा इज एसोसिएटेड विद दिस पीरियड 1500 टू 500 BCE। इसको जो है लेट ब्रॉन्ज एज या फिर हम इसको अर्ली आयरन एज जो है सिविलाइजेशन कहते हैं। आयरन वर्ड पे जो है आप फोकस कीजिए, आयरन जो मेटल है विच इज वेरी इंपॉर्टेंट मेटल इज डिस्कवर्ड इन दिस पीरियड ओनली। और इंडो आर्यन ट्राइब्स, आर्यन आर द पर्सन हु केम फ्रॉम दी स्टेपीज ग्रास लैंड, स्टेपी के जो घास के मैदान है यूरोशिया से जो है वो इंडिया आए थे एंड आफ्टर कमिंग टू इंडिया दे वर सेटल्ड हेयर। और इनके जो कल्चर, इनका जो कल्चर है दी वैदिक कल्चर जो है वो शुरू होता है, ठीक है जी। वर्नाज, रीडिंग ऑफ वेदास, देन उसके अलावा यज्ञ एंड रिचुअल एक्टिविटीज, ये सारी चीज़ें जो है वो इससे जो है वो एसोसिएटेड है। आप मैप में देख सकते हो ये जो है वैदिक सिविलाइजेशन का पूरा जो है वो एरिया है। एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, आयरन जब डिस्कवर होता है तो आयरन डिस्कवरिंग के साथ साथ जो है वो वेपन्स एंड टूल्स भी बहुत ज्यादा जो है वो क्वांटिटी में जो है वो बनने शुरू हो जाते हैं। अब वेपन्स एंड टूल्स बनेंगे तो नॉर्दर्न प्लेन्स जहाँ की सॉइल ऑलरेडी फर्टाइल है वहां पे जो है वो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज जो है काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। उन्हीं एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के बढ़ते बढ़ते जो है वो 16 बड़े राज्य, 16 बिग एम्पायर्स, किंगडम्स जो है वो क्रिएट हो जाते हैं और उनको बोलते हैं हम महाजनपदास यानी फुट होल्ड ऑफ द पीपल एसोसिएटेड फ्रॉम 6th to 15th centuries BCE। देख सकते हो आप लोग ये 16 महाजनपदास के नाम है, अंगा, अस्मका, अवंती, छेदी, गंधारा, काशी, कंबोज, कौशाला, कुरु, मगधा, मल्ला, मत्स्या, पांचाला, सुरसेना, वज्जी और वत्सा। जैसे कि आप मैप में देख सकते हो इसके अंदर जो है वो सारे जो है वो 16 महाजनपदास जो है कहाँ पे, ज्यादातर नॉर्दर्न प्लेन्स का जो एरिया है वहां पे जो है ये फैले हुए हैं बिकॉज ऑफ ह्यूज एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज। अब इन 16 महाजनपदास में दिस मगधा वॉज वेरी वेरी प्रोमिनेंट महाजनपदा। ये मगधा प्रेजेंट डे बिहार कैपिटल पाटलिपुत्रा। हाँ जी, मगधा जो है वो काफी ज्यादा जो है वो प्रोमिनेंट महाजनपदा था। और तीन बड़ी डायनेसिटीज, थ्री बिग डायना डायनेसिटीज। अब देखिए डायनेसिटीज का आना, किंग्स का आना जो है वो शुरू हो जाता है, हिरण्यका डायनेसिटी, शिशुनागा डायनेसिटी एंड द लास्ट वन इज नंदा डायनेसिटी। द लास्ट रूलर धनानंदा इन 321 BCE वाज डिफीटेड बाय चंद्रगुप्त मौर्य विद द हेल्प ऑफ कौटिल्य एंड ही एस्टैब्लिश्ड मौर्यन एम्पायर। सो 321 BCE में चंद्रगुप्त मौर्य जो है वो मौर्य साम्राज्य की जो है वो नींव रखते हैं, पाटलिपुत्र उनकी कैपिटल होती है,
चंद्रगुप्त मौर्य फॉलोड बाय हिज सन बिंदुसारा, बिंदुसारा फॉलोड बाय हिज सन अशोका द ग्रेट, ठीक है अशोका। इनका जो है रूलिंग पीरियड क्या है, 268 to 232 BC। हाँ जी द ग्रेट अशोका, उनके बारे में जो है जितना पढ़ा जाए उतना कम है, काफ़ी ज़्यादा जो है उनकी हिस्ट्री जो है वो बहुत ज़्यादा वाइड है, बट अभी हम जो है क्रोनोलॉजिकल जो है पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हैं, तो जल्दी जल्दी जो है इसको देखते हैं। बृहद्रथा, द लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथा वॉज डिफीटेड बाय पुष्यमित्र सुंगा। तो लास्ट मौर्यन रूलर बृहद्रथा वॉज डिफीटेड बाय होम, डिफीटेड बाय पुष्यमित्र सुंगा, एंड पुष्यमित्र सुंगा इस्टैब्लिश सुंगा डायनेसिटी। तो सुंगा डायनेसिटी की जो है वो शुरुआत होती है, और ये आप देख सकते हो ये मौर्यन एम्पायर का मैप है, यू कैन यू जस्ट सी पूरे इंडिया में ऑलमोस्ट कवरिंग द होल इंडियन सब कॉन्टिनेंट। अब मौर्य एम्पायर एंड हो गया और शुरुआत हो गई है सुंगा डायनेसिटी की बाय पुष्यमित्र सुंगा एंड उनके बेटे थे अग्निमित्र सुंगा। देन दिस सुंगा एम्पायर वाज ब्रॉट डाउन बाय अ पर्सन कॉल्ड वासुदेव कन्वा। वासुदेव कन्वा जो है वो इनको डिफीट करते हैं एंड ही एस्टैब्लिश कन्वा डायनेस्टी। तो वासुदेव कन्वा इन 73 BC एस्टैब्लिशेस कन्वा डायनेस्टी, और कोई जो है प्रोमिनेंट रूलर्स नहीं होता है इनमें। एंड देन वासुदेव कन्वा, दिस कन्वा डायनेस्टी वाज रिप्लेस्ड बाय अ वेरी इंपॉर्टेंट डायनेस्टी कॉल्ड सातवाहना, कॉल्ड सातवाहनास। और इनका जो रूलिंग एरिया होता है वो ज्यादातर सेंट्रल टू सदर्न इंडिया होता है, ठीक है जी। ये देखिए सातवाहनास, सातवाहनास एरिया आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश एक्सेट्रा एक्सेट्रा। एंड द इम्पॉर्टेंट रूलर जिनके बारे में आपने कई बार जो है वो पढ़ा होगा, दीज आर गौतमी पुत्र सातकर्णी एंड वशिष्ठ पुत्र पुलमावी। एंड इनका जो है इम्पॉर्टेंट जो है एक जो है खासियत जो हम पढ़ते होती है इनकी कॉइनेज विच इज स्ट्रक विद द इमेजेस ऑफ देयर रूलर्स लाइक द इंडो ग्रीक्स हैव डन अर्लियर इन द हिस्ट्री। देन दीज सातवाहनास जो है वो ये देखिए ये एरिया एरिया पूरा, दिस इज द area which was covered by the Satavahanas, and then Satavahanas was followed by the Guptas, the golden era, the golden age of India. Gupta, Shri Gupta establishes the empire from 14th to 6th century CE, और ज़्यादातर इनका जो area होता है वो northern and central India की तरफ जो है वो होता है, and important rulers were Chandragupta, Samudragupta and Chandragupta II, Skandagupta, ये सारे जो है वो इनके important जो है वो rulers होते हैं। And you can see this Gupta Empire covering this whole northern and central India. Satavahanas का ये area था and Guptas का जो है वो पूरा ये area था, ठीक है जी। And then lately the Guptas were succeeded by the Maukahari dynasty and the Pushyabhuti dynasty. तो ancient Indian history जो है वो हमने जो है Guptas तक लाके जो है वो खत्म कर दी है, and in medieval में हम जो है इसको आगे continue करेंगे। इसी तरह medieval और modern की series में भी हम यही ऐसे ही जो है वो देखेंगे, ठीक है जी। तो गुप्तास वॉज ब्रॉट डाउन बाय एंड देन फॉलोड बाय मौका हरियन पुष्यभूति डायनेस्टी। सो दैट वॉज ऑल फॉर टूडेज क्लास, थैंक यू एवरीवन।